काफी बार पूछा गया ए ब्लॉक ऑफ मास एम के जी अटैच टू द लोअर वर्टिकल स्प्रिंग। चलो वर्टिकल स्प्रिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है। चलो वर्टिकल स्प्रिंग कर दें। अब इससे हमने ए ब्लॉक मास अटैच लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग फ्रॉम द स्प्रिंग सेलिंग हैज फोर्स कॉन्स्टेंट के द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लैंड, ठीक है। डॉट 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 ये सारी चीजें। तो यहाँ से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और मास एम है। देखो शुरू शुरू में एक ऐसे स्प्रिंग था यार, ऐसे स्प्रिंग था, ऐसे रहा होगा, ठीक है। जब इसे मास अटैच कर दोगे तो उसमें इलोंगेशन आ जाएगा, एक्स इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्स इलोंगेशन आ जाएगा। और यही मैक्सिमम इलोंगेशन है यार, बहुत आसान है, पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा यहाँ पे तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगेगा, ठीक है। और जो वेट एम जी है वो नीचे लगेगा, इक्विलिब्रियम में होगा ब्लॉक लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ए ब्लॉक हमारा अटैच टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग हैंग फ्रॉम द सेलिंग, ठीक है। हाँ अब देखो समझना इसको, स्प्रिंग ऐसे था, मैंने ब्लॉक्स अटैच कर, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, आएगा ना भाई। तो स्प्रिंग इलोंगेटेड हुआ, तो स्प्रिंग में एक्चुअली क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आया जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्स ब्लॉक, जो स्प्रिंग एक्स नीचे आया डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स का जो होगा लॉस होगा, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ एक्स ने एक्स को, तो जो एक्स जो आ जाएगा वो टू एम जी अपान के, टू एम जी अपान के, तो 2mg अपान के मतलब ये बी ऑप्शन सही है, एनर्जी कंजर्वेशन से। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लूज हुआ वह उसमें स्टोर हो गया।